धारीवाल में सीटीडी का ऑपरेशन मशकूक। 13 साल बच्ची, उसकी वालिदा और वालिद समेत 4 अफराद जाँ बहक। गोली लगने से 2 बच्चे भी जख्मी। 4 अफराद दहशतगर्द थे। गाड़ी रोकने पर फायरिंग की गई, सीटीडी का दावा। वजीर आला पंजाब के हुक्म पर अहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। कार सवारों ने कोई मजाहमत नहीं की, एनिश आईडी ने भांडा फोड़ दिया। खलील और जिशान का किसी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं, बकतूल के भाई और वालिद का बयान। कहते हैं दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द ऐसे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे साथ रहा है, मेरे भतीजिया थी, भतीजा था, बड़ा भाई था। हमारी बैकग्राउंड चेक कर ले आप जाकर। हमारे तुम लोगों ने फायरिंग करके मेरे माँ बाप को मार दिया। तो बुरे वाले क्या करने जा रहे थे? चाचू की शादी थी। पापा ने कहा अपने घर में माफ कर दे, फायरिंग ना करो। मैंने बाहर सुने ना मैं फायरिंग नहीं किया। पापा ने कहा अपने घर में माफ कर दे, फायरिंग ना करो। मैंने बाहर सुने ना मैं फायरिंग नहीं किया। मैं नीचे बैठ गया इसलिए फायरिंग से बच गया। वालिदैन, बहन और वालिद का दोस्त जाँ बहक हुए। शादी में शिरकत के लिए बुरे वाला जा रहे थे। अबू ने पुलिस वालों की मिन्नतें की, उनसे कहा सब पैसे ले लो, तलाशी ले लो, गोली मत मारो। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी, वो गोलियां मारते रहे। वाकई में जख्मी बच्चे का बयान सामने आ गया। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल के मौकिफ के बाद मामला मजीद मुतनाज़े हो गया। कार सवारों ने मुजाहमत नहीं की, कहते हैं जख्मी बच्चों की हालत बेहतर है। हॉस्पिटल में लाशों का पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस के जारी करदा बयान और वकुआ में वाज़े तज़ाद सामने आ गया। सवाल ही सवाल। पुलिस ने मुजाहमत पर फायरिंग करने का दावा किया, जबकि गोलियां गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन पर लगी नजर आ रही है। जो नाम रेड बुक में बताए उनका नादरा रिकॉर्ड तस्दीक नहीं करता। प्रेस रिलीज में जाँ बहक खलील, उसकी अहलिया और बेटी का नाम जाहिर नहीं किया गया। जिशान को दहशतगर्द बताया गया, लेकिन उसका नाम भी रेड बुक में नहीं था। जो मतलूब थे वो फरार हो गए, तो ऑपरेशन कैसा? साहिवाल वाकये ने पुलिस ट्रेनिंग का पोल खोल दिया। हलाक अफराद को उनके बच्चों के सामने मारा गया। बच्चों और औरतों पर भी गोलियां बरसा दी गई। गाड़ी रोक ली गई, फिर भी गोलियां बरसा दी गई। क्या गोलियां मारना ही पुलिस की ट्रेनिंग है? उन्हें गिरफ्तार भी तो किया जा सकता था। साहिवाल में जाँबहक अफराद, कोट लखपत लाहौर के रिहायशी, अहले खाना और अहले इलाका का चुंगी अमर सदू पर शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने फिरोजपुर रोड ब्लॉक कर दी। मुलविस अहलकारों की गिरफ्तारी का मुतालबा। वजीर आजम ने कार पर फायरिंग के वाके का नोटिस ले लिया। पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब। वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं सीटीडी ने अपना मौकिफ दे दिया। बज़ाहिर लगता है दहशतगर्दों ने इंसानी ढाल इस्तेमाल की। उधर पंजाब असेंबली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा। कवायद के बरअक्स आईजी पंजाब ने पुलिस मुकाबले पर जेआईटी बना डाली। डीआईजी जुल्फिकार हमीद जेआईटी के सरबराह होंगे। आईएसआई, एमआई और आईबी के अरकान भी टीम का हिस्सा होंगे। टीम 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। ऐसी जेआईटी सिर्फ होम डिपार्टमेंट ही बना सकता है। सीटीडी का एक 4 बंदों को कत्ल किया गया है, जिसमें सामने यह आया था प्रेस रिलीज में पुलिस की कि वो दहशतगर्द थे और अगवाकार थे। ये जो स्पेसिफिक आपने केस बताया, इसको फौरी तौर पर हमने अभी ये डिस्कस किया है कि जितने भी हैं तो पुलिस ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ है। क्राइम बढ़ी नहीं है, उसमें रजिस्ट्रेशन बढ़ गई है। जब रजिस्ट्रेशन बढ़ेगी आपको तो ये फील होगा कि क्राइम ज़्यादा, पहले रजिस्टर ही नहीं करते थे। 4 जानें चली गईं। वजीर आला वाकये के कई घंटों बाद भी लाइल थे। वाकये से मुतालिक सवाल का जवाब ना दे सके। क्राइम में इजाफा नहीं हुआ, क्राइम की रजिस्ट्रेशन बढ़ गई। उस्मान वजदार की अनोखी मंतक, कहा पहले लोग क्राइम की रजिस्ट्रेशन नहीं कराते थे, इसलिए लगता है जैसे क्राइम बढ़ गया।
साहिवाल वाकया सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड, पुलिस कार्रवाई पर लोग शदीद बरहम, पुलिस इस्लाहात किधर है, ट्विटर सारिफीन का सवाल। चार आठ न दस वजीर आला पंजाब के काफले में पूरी 23 गाड़ियां। उस्मान गुजार की शाहाना अंदाज में पुलिस लाइन मियां वाली आमद। मुझे कानून और आईन के तहत कोई पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर बनने से नहीं रोक। एनआरओ जो है मैंने किसी को मांगते देखा नहीं सुना नहीं, एक ही आदमी को देखा और सुना है, उसका नाम है शहबाज शरीफ। और ये जितनी मर्जी शहबाज शरीफ साहब मेरे सबका दोस्त कोशिश कर लें, एनआरओ नहीं मिल रहा। शेख रशीद का एक बड़ा दावा, कहा सिर्फ शहबाज शरीफ को एनआरओ मांगते देखा और सुना है। नवाज शरीफ एनआरओ नहीं चाहते, रोक सकते हो तो रोक लो, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आ रहा हूँ, नून लीग का एहतसाब मैं करूँगा। जैसे को तैसा, राणा सनावला की शेख रशीद को ललकार, कहते हैं रोक सकते हो तो रोक लो, शेख रशीद के दुम पर पांव रखने आ रहा हूँ, मैं एक्सपोज करूंगा कि उसके क्या करतूत हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस नाकाम हुकूमत ने, निकम्मी हुकूमत ने कोई प्रोसेस स्टार्ट किया 18वीं तरमीम को रोल बैक करने का, तो पूरी पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हम खड़े हो जाएंगे, हम ये चीज़ नहीं होने देंगे। वफाकी हुकूमत चूँकि एक निकम्मी हुकूमत है जो काम करने पर बिलीव नहीं करती, हम उनकी साजिशों से घबराएंगे नहीं। पीपल्स पार्टी के जयाले गुस्से में, मुर्तजा बहाब ने कहा है 18वीं तरमीम रोल बैक करने की कोशिश पर भरपूर मुजाहमत करेंगे, विफाकी हुकूमत काम पर यकीन नहीं रखती, विफाकी हुकूमत की साजिशों से डरने वाले नहीं। तहरीक इंसाफ और काफ लीग में अनबन, हाफिज यासिर का इस्तीफा वापस न हुआ, वजीर आला पंजाब मामला हल कराने के बजाय मियां वाली चले गए। जराए के मुताबिक 2 माह से काफ लीग को तहफ्फुज़ात हैं, पार्टी कयादत ने कई बार हुकूमत को आगाह भी किया। काफी के तहफुजात को दूर किया जाए, कोई इत्तेहादी छोड़कर नहीं जा रहा, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को पूरा यकीन, कहते हैं जमहूरियत जराइम पर पर्दा डालने का नाम नहीं, एहतसाब का नाम है। और ये मुझे नहीं लगता जो रवैया इनका कि ये अपने टर्म पूरी करें, हम चाहते हैं कि हुकूमत ना गिरे, हुकूमत अपने बोझ से खुद गिरना चाहती है। मैंडेट ना मानने के बावजूद हम चाहते हैं इन्हें कुछ वक्त मिले ताकि ये वादे या एक्सपोज हो या पूरे करें, मगर इमरान खान साहब अपना वक्त पूरा नहीं कर रहा। लगता नहीं हुकूमत मुद्दत पूरी कर पाएगी, इमरान खान खुद मुद्दत पूरी नहीं करना चाहते, सादफी की कप्तान और खिलाड़ियों पर तनकीद, बोले हुकूमत अपने बोझ से खुद गिरना चाहती है। ख्वाजा बरादरान का मजीद 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर, लीगी कारकुनान की अदालत के बाहर नारेबाजी। सबसे ज्यादा बरामदात का रिकॉर्ड बनाएंगे, वजीर आजम के मुशीर बराए तजारत अब्दुल रजाक दाऊद पुर-ए-एतमाद, कहते हैं मुश्किल हालात के बावजूद मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है, खुर्दनी तेल पर तवज्जो ना देने का एतराफ भी कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं, तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर अकाउंट की तरदीद कर दी। चीफ जस्टिस के जाली ट्विटर अकाउंट पर फॉलोअर्स की तादाद 30,000 तक पहुंच गई। ट्विटर ने पंजाब हुकूमत के तर्जुमान शहबाज गिल का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया, किसी ने अकाउंट हैक करके पासवर्ड तब्दील कर दिया। इस्लामाबाद में लैंड माफिया और कब्जा ग्रुप्स के खिलाफ घेरा तंग, इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला, जमीनों पर नाजायज कब्जे और लूटमार करने वाले 11 अफराद के नाम फोर्थ शेड्यूल में शामिल।
अमेरिकी नुमाइंदे खुसूसी जलमे खलीलजाद के दौरे पाकिस्तान में तौसी। दौरे में तालिबान से मुलाकात की उम्मीद के बाइस तौसी की गई। जलमे खलीलजाद ने आज वापस रवाना होना था। रावलपिंडी में गैस लीकेज से हालातों का एक और वाकया। ढोक चौधरिया में फ्लैट में गैस लीकेज के बाइस आग लग गई। दो खवातीन और एक बच्चा जिंदा जल गए। पिशावर में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। अम कमेटी बाड़ा खबर एजेंसी का सरबराह कत्ल। मीर आलम अफरीदी को हयातबाद टूल प्लाजा के करीब निशाना बनाया गया। हाफिजाबाद में शादी न करने पर मुलजिम ने शादीशुदा खातून को कत्ल कर दिया। मुलजिम सकलैन का कहना है कि हुमैरा ने शादी का वादा किया, उसके कहने पर अपनी बीवी को तलाक भी दी लेकिन बाद में शादी से इनकार कर दिया। महबूबा से मिलने की जल्दी। गुजरावाला में नौजवान ने गाड़ी शहरियों पर चढ़ा दी। 5 अफराद जख्मी। टायर फटने पर नौजवान शहरियों के हत्थे चढ़ गया। खूब पिटाई हुई। हेलमेट के बगैर पेट्रोल ना देने का अदालती फैसला चैलेंज। पेट्रोल पंप मालिकान ने लाहौर हाईकोर्ट से रिजू कर लिया। 2 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते समाप्त करेगा। इतवार से बुध तक शहर शहर बादल जमकर बरसेंगे। कराची हैदराबाद सखर में भी हल्की बारिश की तवक्को। नदी गिलियात में पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी होगी। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी जारी। बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में हल्की बारिश। मौसम के निराले रंग। कहीं कड़ाके की ठंड कहीं शदीद गर्मी। यूरोप में बर्फ का तूफान। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी से शहरी परेशान। ऑस्ट्रेलिया में पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया। बढ़ते दर्जे हरारत की वजह से 60 मकामात पर आग लग गई। अक़वामे मुत्तहदा मसला कश्मीर पर अपना किरदार अदा कर चुकी। पाकिस्तान और भारत मसाइल मुज़ाकरात से हल करें। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत के फरोग की कोशिशें बहाल नहीं हो सकी। अक़वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेक्सिको में तेल की पाइपलाइन में खौफनाक धमाका। 70 अफराद जिंदा जल गए। दर्जनों अफराद जख्मी हुए। अमेरिका में शटडाउन 5वें हफ्ते में दाखिल। मईशत को $3 अरब का नुकसान। लाखों वफाकी मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। ट्रंप की डेमोक्रेट्स को डील की पेशकश। कहते हैं सरहद पर दीवार के मामले को सियासत से दूर रखा जाए। चांदियों की तदफीन नवाब शाह में कर दी गई। नमाज जनाजा में फनकारों सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों की शिरकत। जो तू चाहना है वो नहीं होना, हो नहीं जाता करना पैंदा है। हो नहीं जाता करना पैंदा है। इश्क समुंदर तरना पैंदा है। सुख ली दुख भी जरना पैंदा है। हक दी खातर लड़ना पैंदा है। वाह वाह। जीवन दे लई मरना। मारूफ कॉलम निगार मुसन्नफ और ड्रामा निगार मुन्नू भाई को पिछले एक साल बीत गया। मुनीर अहमद कुरैशी और मुन्नू भाई ने कई यादगार ड्रामे लिखे। 2007 में सदारती तमगा भराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। और सुरीली आवाज की मलका गुलकारा मेहनाज बेगम की छठी बरसी। उनका गाया हुआ हर गीत आज भी शायकी ने मौसीकी के कानों में रस घोलता है।